इस समय आपको एक खबर बता दें, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डगमगाने के बाद जनता सड़कों पर उतरी है और राजधानी कोलंबो समेत पूरे देश में हिंसा और हंगामे का दौर चल रहा है। बेकाबू होते हालात के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने कल देर रात इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। गहराते आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में महंगाई सातवें आसमान पर पहुंची और आम लोगों ने जमीन पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन के लिए हजारों लोग जुटे। नाराज लोग राष्ट्रपति से पद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। आम लोगों को लगता है कि आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। कोलंबो में हिंसा का दौर जारी है। लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की, पुलिस की गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा गया। सुरक्षा बल और आम लोग आमने सामने आ गए। लोगों को भगाने के लिए फायर गैस छोड़ी जा रही। अब तक हिंसा में श्रीलंका में 10 लोग घायल भी हुए हैं तो 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाना पड़ा, लेकिन हालात काबू में नहीं आ पा रहे। जिसके बाद श्रीलंका की सरकार ने बड़ा फैसला लिया और इमरजेंसी की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक गजट जारी करते हुए 1 अप्रैल से इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका में सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा क्योंकि जनता गुस्से में सड़कों पर उतर चुकी है। जनता के गुस्से की वजह यह है कि देश में फ्यूल और गैस की भारी कमी हो गई है। श्रीलंका सरकार के पास तेल आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की बड़ी कमी है। नतीजा लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। देश के हालात क्या हैं? इस बात से अंदाजा लगाइए कि शिक्षा विभाग के पास कागज और स्याही खत्म हो गई, परीक्षा अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई। श्रीलंका के 2,20,00,000 लोगों को काफी लंबे समय तक बिजली की कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। 13-14 घंटे बिजली काटी जा रही। आलम यह है कि लोगों के लिए दूध सोने से भी ज्यादा महंगा हो गया है और 2 वक्त की रोटी भी मुसीबत से मिल रही है। ABP News आपको रखे आगे।